बलूचिस्तान के इलाके गवादर में चीनी शहरियों के काफिले पर खुदकुश हमला, धमाके में जख्मी एक और बच्चा दम तोड़ गया। शहीद होने वाले बच्चों की तादाद 3 हो गई। काफिले में 4 गाड़ियां थीं, एक गाड़ी में 3 चीनी सवार थे जिनमें से एक जख्मी हुआ था। वजीर आला बलूचिस्तान, कोर कमांडर और वजीर दाखिला बलूचिस्तान गवादर में मौजूद। सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून पर हमले का केस, पुलिस ने 66 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। डिजिटल मोबाइल फ्रेंसिक की मदद से मुलजमान की शनाख्त हुई। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने 300 से ज्यादा अफराद से पूछताछ की। 40 मुलजमान को अदालत में पेश कर दिया, शनाख्त परेड के लिए भेजा जा रहा है। मुतासरा खातून और साथी शनाख्त करेंगे। खातून के साथी रैम्बो का भी बयान रिकॉर्ड। शाहदरा पुलिस ने 71 साल बुजुर्ग को भी हिरासत में ले लिया। मुलजिम शहरोज सईद ने जमानत कबल गिरफ्तारी करवा ली। पंजाब में खवातीन के तहफ्फुज़ का अल्लाह हाफिज़। सूबे में खवातीन की मदद के लिए बनाए गए हेल्पलाइन कई रोज से बंद। टोल फ्री नंबर 1043 किसी के इस्तेमाल में नहीं। कौमी एयरलाइन ने काबुल ऑपरेशन फिलहाल मुअत्तल कर दिया। पीआई ये वाहिद एयरलाइन है जिसने गुज़िश्ता 4 रोज से अफगानिस्तान का दुनिया से राब्ता बहाल रखा। काबुल एयरपोर्ट पर नाकाफी सहूलियात और रनवे पर कचरा मौजूद है। जेट इंजन में कचरा चले जाने का खदशा है। वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी कहते हैं पीआईए ने सिफारतकारों, सहाफियों, आलमी तंजीमों के नुमाइंदों, गैर मुल्कियों समेत 1400 अफराद को काबुल से निकाला है। पाकिस्तानी सिफारतखाना अब तक 4000 वीजे जारी कर चुका है। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के बाद जारी, एक दिन में मजीद 65 मरीज जान से गए। 3084 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 5.73% रही। शकरगढ़ में अपने ही अगवा का ड्रामा रचाने वाला मुलजिम, वालदा, ससुर और दोस्त समेत गिरफ्तार। असगर खान एक ही जमीन मुख्तलिफ अफराद को करोड़ों में बेच चुका था। फरोख की गई जमीन वापस लेने के लिए अपने अगवा का ड्रामा किया। और लाहौर के शाहदरा टाउन से लापता होने वाली बच्ची 9 घंटे बाद मिल गई। बच्ची को महल्लेदार नौजवान साथ ले गया था। मुलजिम गिरफ्तार, तफ्तीश जारी।